तो दोस्तों जैसे इंटरनेशनल लॉ अगर आप इनमें करियर बनाते हैं तो या दोस्तों वेलकम टू माय ब्लॉग, आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों वो सुबह के 9 बज रहे हैं तो आज दोस्तों एक बहुत खास टॉपिक में वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एलएलबी के बारे में, जो कि कोर्स की पूरी डिटेल बताने वाला हूं, फीस से लेके कॉलेज से लेके स्ट्रीम सब्जेक्ट जो भी सारी चीज़ें रहती है उस पर मैं आज आपको वही बताने वाला हूं। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और हाँ सब्सक्राइब के बटन जरूर दबा लें जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं हम एलएलबी के बारे में। तो एलएलबी एक्चुअली में एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ, है ना दोस्तों। तो बैचलर ऑफ लॉ एक्चुअली में एलएलबी आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप 12वीं की बात कर सकते हैं जो कि आपको 5 साल करना होगा, और दूसरा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो फिर आपको 3 साल करना होगा। तो दोस्तों क्या है कि अब जो 5 साल का ये जो चल रहा है तो आपको पहले ग्रेजुएशन की बात करना होता रहा है। ये नए नियम के अनुसार आपको आप 12वीं के बाद जैसे आप पहले ग्रेजुएशन करते थे देन उसके बाद आप एलएलबी करते थे तो आपको दोनों एक साथ में ही करना होगा, बीए और एलएलबी। तो दोस्तों ये आपको एलएलबी करना होगा जो 3 साल का होता है ना। एलएलबी गवर्नमेंट अप्रूव कॉलेज से आप कर सकते हैं जो कि बहुत कम फीस के साथ एलएलबी आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और अगर आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है तो अगर आपको मास्टर डिग्री लेना है तो फिर आप एलएलबी करने के बाद एलएलएम करेंगे, मास्टर ऑफ लॉ, ठीक है दोस्तों। एलएलबी करने के लिए आपको कोई सब्जेक्ट विशेष का वो नहीं, कोई स्ट्रीम कि इस स्ट्रीम से होना चाहिए आदमी को। आप किसी भी सब्जेक्ट पर ग्रेजुएशन है ग्रेजुएट हैं तो आप एलएलबी कर सकते हैं, उसमें नो डाउट है। और शायद कुछ कॉलेजों में मांगता है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजों में जब एडमिशन के लिए जाएंगे आप तो उसमें कुछ परसेंट लगता है कि 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग अगर और बड़े लेवल पे अगर आप देना चाहते हैं तो आप क्लैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, जिससे कि काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज आपको दाखिला देंगे। जैसे क्लैट का होता है फुल फॉर्म आपका कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, तो आपको ये आपने सुन भी रखा होगा जैसे क्लैट होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो आप जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर करते देन आपको बहुत अच्छी कॉलेज मिलती है, जैसे आप अदर एग्ज़ाम देते हैं, है ना, आईआईटी जैसे हो गया, सेम वैसे एग्ज़ाम आप देते हैं इंडिया लेवल का तो आपको अच्छी कॉलेज मिलती है जिससे कि आप एलएलबी कर सकते हैं। और उससे क्या होता है जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्चुअली में क्या है कि आप एलएलबी को कॉमन सब्जेक्ट, आपको बता दूं कि एलएलबी में जो कॉमन सब्जेक्ट होंगे वे इस प्रकार होंगे। तो एलएलबी आपका ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का होता है, अगर आप 12वीं के बाद हैं तो 5 साल का होगा। तो दोस्तों ये रही इसकी एलएलबी की ड्यूरेशन। अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को एलएलबी के सब्जेक्ट। तो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट होगा लीगल मेथड जो एलएलबी में लगेगी आपको, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा होता है आपका ज्यूरिसप्रूडेंस, है ना, और चौथा होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पांचवा होता है लिटिगेशन एडवोकेसी, और छठवां होता है आपका पॉलिटिकल साइंस। ठीक दोस्तों ये सब्जेक्ट में से आप किसी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। अब रही बात एलएलबी के कोर्स की, तो कॉर्पोरेशन लॉ ये आपको कंपनी के नियम कानून के लिए काम करता है। एलएलबी के कोर्सेस हैं, मतलब जिस आप कोर्स में जाना चाहते हो उसमें क्राइटेरिया बटी रहती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग सुन रखे होंगे कि कोई सिविल वकील है तो कोई क्रिमिनल लॉयर है ना, तो कोई कॉर्पोरेशन लॉयर है, कोई लेबर एडवोकेट है, तो कोई पेटेंट एडवोकेट है, तो कोई टैक्स एडवोकेट है। तो ये क्राइटेरियाज हैं, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको इनमें से किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको आप किस तरह के केस लड़ना पसंद करेंगे, आपको वो सब्जेक्ट इसमें आपको चुनना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो एक्चुअली मैं बता दूँ ये आपका कॉर्पोरेशन लॉ होता है फर्स्ट, सेकेंड होता है सिविल लॉ, तीसरा होता है
क्रिमिनल लॉ, ठीक। चौथा होता है इंटरनेशनल लॉ, पांचवा होता है लेबर लॉ, छठवा होता है पेटेंट लॉ, सातवा होता है टैक्स लॉ। मतलब ये जो हमने नाम बताए आपको, इनमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको इसी फील्ड में अपनी एडवोकेसी करना होगा, ठीक दोस्तों। तो आइए मैं एक एक समझाता हूँ आपको। कॉरपोरेशन लॉ का यूज, कॉरपोरेशन लॉ में आप एडवोकेट बन के करते क्या हैं, तो ये आपको कंपनी के नियम कानून, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां होती हैं वो अपने लिए पर्सनल एडवोकेट रखते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही लॉ कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आपने कॉरपोरेशन लॉ फील्ड चुना हुआ है तो आप आसानी से इस पे जा सकते हैं, जो कि आपको कंपनी अच्छी खासी सैलरी देगी और आपको कंपनी के नियम कानून बनाने होंगे, जो कि कंपनी को मान लीजिए किसी दुर्घटना के समय बचाता है। तो जो उनके पर्सनल वकील होते हैं, कंपनियां सारी जितनी भी कंपनियां सब अपना पर्सनल वकील रखती हैं। तो कॉरपोरेशन लॉ ये हो गया आपका। और सिविल लॉ, सिविल लॉ का मेन उद्देश्य ही यही होता है कि आपको दो व्यक्तियों के बीच, जैसे लड़ाई हो गया, तलाक हो गया, ये सारी चीजें आपको सिविल लॉ के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो आजकल तो देख ही रहे हैं कि आजकल लड़ाई झगड़ा, दहेज प्रथा, ये सारी चीजें आज चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे परिवार में, पूरी फैमिली में आज तक देखते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो बनी रहती है। तो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स इसमें भी मिलने वाला है सिविल लॉ में। अब आ जाओ आप क्रिमिनल लॉ में। तो जो अपराधी होते हैं, मर्डर होते हैं, चोरी डकैती लूटपाट, ये सारे क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं बेटा। तो दोस्तों अब मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, है ना। फेस यही कुछ ज्यादा नहीं है इसका, वही फर्स्ट सेमेस्टर में इनका कुछ 6,000 से 7,000 फीस होती है, जो कि ज्यादा नहीं है। बहुत कम फीस में आप LLB कंप्लीट कर सकते हैं। और एक्चुअली मेरे हिसाब से हर किसी को वकील होना चाहिए। क्या कि आजकल का जो टाइम चल रहा है तो लोग इतने गलत भी हो गए हैं कि एक्चुअली हम कहते हैं कि अगर आप खुद एडवोकेट हैं तो आपसे इतना जल्दी कोई पंगा लेगा नहीं। तो इसलिए अपने नियम कानून, अपनी सारी जानकारियां आदमी के पास होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कम वकील आदमी दूसरे के लिए नहीं, तो कम से कम अपने लिए वकील हो जाए। क्या है कि दुनिया आसान नहीं है, इसलिए हमारे हिसाब से आप लोग हर किसी को LLB करना चाहिए। और अब आती है सवाल कि मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है आप हर किसी को LLB करना चाहिए, तो बट ये है कि आज जितने वकालत कर रहे हैं उतने ज़्यादा केस भी बढ़ रहे हैं। अगर केस ना बढ़ते तो वकीलों की ज़रूरत क्या थी, न्यायपालिका की ज़रूरत क्या थी। तो दोस्तों आप लोग LLB करें, बहुत अच्छा है, है ना। एक्चुअली मैं भी सोचा था, बट ये है कि मैंने किया नहीं थोड़ा फार समस्या के कारण, बट मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी LLB कर लूं। तो दोस्तों सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो अब आपको बता दूं कि अब जैसे ही सबसे पहले आपने, चलो ठीक है आपने LLB कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको पहले बार काउंसिल से आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी एक सीनियर वकील को पकड़ेंगे, तो उनके साथ रह के आप पहले उनसे सारे तौर तरीके सीखेंगे। क्या है कि वो तो किताबी नॉलेज है, बट आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप लोग किसी सीनियर वकील के साथ आप रह के ज़्यादा नहीं 6 महीने साल भर, जब तक आप लोगे उनके तौर तरीके, केस लड़ने के तरीके, है ना, सुनवाई के तरीके, वो सारी चीज़ें जब उनसे सीखने को मिल जाए केस कैसे लड़ा जाता है, जब आपको लगे कि नहीं मैं अकेले कर सकता हूँ, तो दोस्तों आप अपना खुद का चैम्बर बना सकते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों मैं अपने व्यूवर्स का बहुत ख्याल रखता हूँ, तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, आपका जवाब मैं पूरा दूंगा।